अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मटन की बहुत ही अच्छी रेसिपी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मटन। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, चुटकी भर खाने वाला रंग, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा दही, इसे मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। देखिए, अब इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए, कुकर में मैंने दो बड़े चम्मच तेल के डाले, ये सरसों का तेल है। देखिए, तेल अच्छे से हो चुका है। इसमें प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, दो खड़ी लाल मिर्चें डालेंगे। देखिए, प्याज हल्की गोल्डन हुई, अब इसमें ये मटन डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खुशबू अभी से बहुत अच्छी आ रही है, अभी तो हमें इसमें मसाले भी डालना है, लाजवाब बनेगा ये। दस से पंद्रह मिनट से तेज आंच पे भूनिएगा, इस तरह से पका लीजिएगा। कि ये वो मसाले हैं जिसे हमें पीसना है। इसमें मैंने ली एक बड़ी प्याज, एक बड़ा टमाटर, तीन हरी मिर्चें और ये अदरक के दो टुकड़े, और ये पूरा लहसुन था जिसको मैंने छील लिया है, और ये है काली मिर्चें, दो लौंगे और दो छोटी इलायची, ज़ीरा, और ये सौंफ, और ये सूखा खड़ा धनिया। तो चलिए, अब इसे हम पीस लेते हैं। चलिए, सारे मसालों को पीस लेते हैं। देखिए, सारे मसाले हमने पीस लिए हैं। देखिए, हमने इसमें ये मसाला डाल देंगे, जो मसाला पीस के रखा था वो हमने इसमें डाल दिया है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, एक नींबू के चार भाग करके इसे डाल देंगे। इसे एक बार फिर से चलाएंगे। और इस मसाले को भून लेंगे। देखिए, ढक्कन लगा देंगे और धीमी आंच पर ही दो से तीन सीटियां लेंगे। इसमें गोश्त भी गल जाएगा और मसाला भी भून जाएगा। इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना है। गोश्त भी देखिए अच्छे से गल चुका है। देखिए, करीब से दिखाते हैं आपको। अब फ्लेम को तेज़ करेंगे और इसे भून लेंगे अच्छे से। अगर हमें भुना हुआ चाहिए है। देखिए, ऊपर से मैंने इसमें काजू और मखाने भी डाल दिए हैं, हरा धनिया डाल दिया है भूनने के बाद, और ये बहुत ही अच्छा बनता है और बिल्कुल नया टेस्ट होगा इसका। बना के देखिएगा ज़रूर। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।